गणपति बप्पा मोरया। प्रणाम भक्तगण, मैं आशुतोष पांडे YouTube के सर्वश्रेष्ठ भक्ति चैनल भक्ति महिमा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। भक्तगण, भगवान गणपति प्रथम पूज्य और संकट हरता है, इसलिए हर शुभ कार्य करने से पूर्व भगवान गणपति की पूजा की जाती है। यूं तो गणेश जी के बारे में अनेक पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, परंतु आज भी कई ऐसी रहस्यात्मक बातें हैं जिनके बारे में लोगों को अधिक जानकारी नहीं होती है। तो आइए जानते हैं भगवान गणपति के विषय में कुछ रोचक और अनोखी बातें। शिव पुराण के अनुसार गणेश जी का वर्ण रंग यानी शरीर का रंग लाल तथा हरा है। लाल रंग शक्ति का प्रतीक है तथा हरा रंग समृद्धि का। इसलिए जहां गणपति बप्पा का वास होता है वहां शक्ति और समृद्धि का वास होता है। गणेश जी के दो विवाह हुए हैं, उनकी पत्नियों के नाम रिद्धि तथा बुद्धि है। उनके दो पुत्र भी हैं जिनके नाम क्षेत्र तथा लाभ है। गणेश जी भगवान शिव के पुत्र हैं, परंतु भगवान शिव ने भी त्रिपुर नामक राक्षस के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए अपने पुत्र यानी गणेश जी का पूजन किया था और फलस्वरूप त्रिपुर नामक राक्षस का वध कर युद्ध में विजय की प्राप्ति की थी। माँ पार्वती ने गणेश जी की रचना की थी, लेकिन इसका सुझाव उन्हें उनकी दो सखिया जया और विजया ने दिया था। उन्होंने माँ पार्वती को सलाह दी थी कि वो शिव जी की तरह एक ऐसे गण का निर्माण करें जो उनका आज्ञाकारी हो। तब माँ पार्वती ने श्री गणेश का निर्माण किया। माता पार्वती ने पुत्र प्राप्ति के लिए पुण्यक नामक उपवास किया था। लोक कथा है कि जब सभी देवतागण भगवान गणेश को आशीर्वाद दे रहे थे तब शनि देव अपना सर झुकाए खड़े थे। जब माँ पार्वती ने शनि देव से इसका रहस्य पूछा तो शनि देव ने उन्हें बताया कि उनकी दृष्टि श्री गणेश के लिए शुभ नहीं होगी, पर माँ पार्वती के कहने पर शनि देव ने गणेश जी को देखा और उनका अहित हुआ। फलस्वरूप कुछ दिन बाद शिव जी ने उनका सर काट दिया था। गणेश जी को एकदंत भी कहा जाता है। माना जाता है कि एक बार परशुराम जी कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के दर्शन को गए। उस समय शिव जी अपने ध्यान में मग्न थे, इसलिए गणेश जी ने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया। इस बात से क्रोधित हो परशुराम ने भगवान गणेश पर फरसे से वार कर दिया। वो फरसा भगवान शिव ने ही परशुराम जी को दिया था, इसलिए गणेश जी चाहते थे फरसे का वार खाली न जाए, इसलिए उन्होंने ये वार अपने दांत में छेद लिया और फलस्वरूप गणेश जी का एक दांत टूट गया। गणेश जी ने महान महाभारत का लेखन किया था। इसके रचयिता तो वेद व्यास हैं, परंतु लिखने का दायित्व गणेश जी ने अपने हाथों में लिया था। लेखन के लिए गणेश जी की शर्त थी कि लेखन बीच में रुकना नहीं चाहिए। इस पर वेद व्यास जी ने कहा कि श्लोक को समझने के बाद ही लिखें। श्लोक का अर्थ समझने में गणेश जी को कुछ समय लगता था और उसी दौरान वेद व्यास जी अपने आवश्यक कार्य पूर्ण कर लेते थे। तो आज हमने जाना भगवान गणेश से जुड़े 7 रहस्यों के बारे में। अगर आपको हमारा ये रोचक और भक्तिमय वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को जरूर लाइक करें, कमेंट करें और भक्ति महिमा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार कुछ और रोचक और भक्तिमय विषयों के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।